नमस्कार, आपके अपने चैनल में स्वागत है। गर्भ में है शिशु, किसका करे ध्यान, किसकी करे पूजा। राक्षस का बेटा ऐसे बना विष्णु भक्त। स्वामी विवेकानंद की माँ ने की थी भगवान शिव की पूजा। किसी भी महापुरुष की जीवनी पढ़ें तो मालूम होगा कि उनके माता पिता ने किस प्रकार त्याग और संयम के साथ भगवान की पूजा तपस्या की। स्वामी विवेकानंद की माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उन्हें 4 कन्या थी, पर पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। पुत्र संतान पाने के लिए वे रोज सुबह शाम भगवान की प्रार्थना करती थी। उन्होंने काशी में एक महिला को पत्र भेजा और लिखा कि तुम रोज वहाँ वीरेश्वर शिव की पूजा करो, पूजा कर जो खर्च होगा वह मैं भिजवा दूंगी। तुम मेरे लिए पुत्र की कामना करो। स्वयं वे भी कोलकाता में शिव जी का ध्यान और पूजा करने लगी। वे ध्यान करते करते तमन्नी हो जाती थी, आंसू बहते रहते और वे शिव जी से प्रार्थना करती रहती। एक दिन सुबह से शाम तक वह ध्यान में डूबी रही। रात को घर लौटी। उस रात स्वप्न में देवाधिदेव महादेव छोटे बालक के रूप में उनके सामने उपस्थित हुए। शिव जी की चारों ओर ज्योति और प्रभु का प्रशांत श्रीमुख दर्शन करके उनके आनंद का ठिकाना रहा। पुत्र जब गर्भ में आया तब से भुवनेश्वरी देवी का चेहरा भी अपूर्व शोभा और ज्योति से चमकता देखकर पड़ोसी बोलने लगे कि शिव जी तुम्हारी प्रार्थना जरूर पूरी करेंगे। हिरण्यकशिपु जब तपस्या कर रहा था तब देवताओं ने मौका पाकर उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया। उसकी पत्नी गर्भ से थी। देवताओं के राजा इंद्र उन्हें खींचकर ले जा रहा था। नारद मुनि ने उनको रोका और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? इंद्र ने कहा, ये राक्षस इसके गर्भ में राक्षस ही होगा, इसलिए मैं इसे मारना चाहता हूँ। नारद मुनि ने कहा, तुम उसे मत मारो। वे हिरण्यकशिपु को अपने आश्रम में ले गए और उसे भगवत कथा सुनाने लगे। बाद में हम पाते हैं कि उसके गर्भ से भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। गर्भावस्था में माता को अच्छी बातें सुनानी चाहिए, अच्छा दृश्य दिखाना चाहिए और अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि माता जो भी सोचती है उसकी छाया गर्भावस्था में संतान पर पड़ती है। इसी छाया से संतान का संस्कार बनता है। दीर्घायु पुत्र चाहिए तो मूर्ख होगा, विद्वान चाहिए तो अल्पायु होगा। शंकराचार्य के पिता शिव गुरु ने भी पुत्र के लिए शिव की तपस्या की थी। शिव जी ने प्रसन्न होकर पूछा, तुम कैसा पुत्र चाहते हो? मैं तुम्हें दीर्घायु पुत्र दूंगा, पर वह मूर्ख होगा, और विद्वान पुत्र चाहते हो तो वह अल्पायु होगा। शिव गुरु ने कहा कि उन्हें अल्पायु पुत्र मंजूर है, वह उसे विद्वान होना चाहिए। बाद में उनके घर शंकराचार्य का जन्म हुआ। श्री रामकृष्ण देव के पिता खुदी राम साध्र करने के लिए गया आए थे। यहीं वे भगवान विष्णु का चिंतन करते करते सो गए। रात को भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारे घर पुत्र बनकर आऊंगा। श्री राम ने कहा, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, आपकी सेवा मैं कैसे कर पाऊंगा? श्री विष्णु ने कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं अपनी व्यवस्था खुद करूंगा। माता चंद्रमणि शिव जी की पुत्र करने मंदिर में गई थी। अचानक शिवलिंग से एक ज्योति निकलकर उनके गर्भ में समा गई। जब से श्री रामकृष्ण देव जी माता के गर्भ में आए, माँ रोज देवी देवताओं के दर्शन करती। तो कैसी लगी आपको हमारी यह जानकारी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।